ये रियल स्टोरी है 1938 की, ऐसे बंदे की जिसको किस्मत ने इतना बुरा तमाचा मारा कि अगर इसकी जगह पर और कोई होता तो चार दीवारी में घुस जाता और जिंदगी भर रोता रहता। लेकिन इस बंदे ने उल्टा किस्मत को ही जोर का तमाचा मारा और दिखा दिया पूरी दुनिया को कि अगर इंसान अपने पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उस शख्स का नाम था कैरली। ये बात है 1938 की और वो अपने कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था और उस टाइम पे जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था, ऑलमोस्ट पता था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और इस चीज की उसने सालों से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे इस हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो इसमें कामयाब भी हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ दो साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके उसी हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक ब्लास्ट फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, फोकस था, सब कुछ खत्म हो गया। उसने जो जिंदगी का मकसद बना के रखा था सब कुछ खत्म। उसके पास केवल दो रास्ते थे, एक तो ये कि बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे, कहीं जाकर छुप जाए, या फिर वो जो उसका गोल था, जो उसमें फोकस था, उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था, बल्कि उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वह लिख तक नहीं सकता था। एक महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चलने के बाद ठीक एक महीना बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की। ट्रेनिंग के एक साल बाद 1939 में वो वापस आया। उस टाइम पे नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वही हंगरी में और वहाँ पे बाकी भी पिस्टल शूटर आए हुए थे। उसने जाकर के उसे कांग्रेचुलेट किया और कहा कि ये देखो, ये होती है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को ये नहीं पता था कि वो पिछले एक साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने के लिए आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और फिर कंपटीशन हुआ, बाकी सब वहाँ पे जितने भी लोग थे कंपीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कंपीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। जी हाँ, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड, कैरली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था कि मुझे अब इस हाथ को इस कंट्री का नहीं इस दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बनाना। उसने अपना सारा फोकस उठा के डाला 1940 में जब ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। वो बढ़ के हो गए 1944 में, लेकिन किसी कारणवश 1994 वाले ओलंपिक भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से, फिर से दोबारा कैंसिल। और फिर वो क्या करता, उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक में। शुरू में 1938 में उसकी एज हो गई थी 28 साल और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 साल, 38 इयर्स। और जो वहाँ पे यंगेस्ट लोग निकल कर आते हैं उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता जाता है, लेकिन मुश्किल नाम का शब्द जैसे उसकी डिस्करणी में था ही नहीं। और वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, वो अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका, अब उसका फोकस था 1952 के ओलंपिक्स में। दोबारा कॉम्पीट किया उसने, इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली जीता। चार साल बाद दोबारा से कैरली जीता और इस बंदे ने ओलंपिक की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया इस पर्टिकुलर कंपटीशन में। उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार दो गोल्ड मेडल नहीं जीते थे, लेकिन इस बंदे ने वो चीज करके दिखा दिया। बस दो तरीके के बंदे होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो हजारों वजह बताएंगे किसी काम को ना करने का और एक वो जो एक वजह ढूंढ लेंगे उस काम को करने का। और चॉइस आपके पास है कि आपको क्या करना है। दोस्त, ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।